वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के सवाल को पढ़ रहे थे, तो सवाल को लेकर आगे चलते हैं। तो पढ़ते हैं सवाल क्या दिया हुआ है। ए क्यूब ऑफ 50 mm लॉन्ग एज इज रेस्टिंग ऑन द एच पी विथ ए वर्टिकल फेस इक्वली इंक्लाइन टू द वी पी, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। बोल रहा है एक क्यूब है जिसका एज, सभी एज 50 mm लॉन्ग है, सभी एज इसका क्या है 50 mm लॉन्ग है। वो क्या कर रहा है, एच पी पर रेस्ट कर रहा है और उसका जो वर्टिकल फेस है वी पी से इक्वल इंक्लाइन पर है। वी पी से जितना इधर इंक्लाइन है, लेफ्ट साइड जितना इंक्लाइन है उतना राइट साइड इंक्लाइन है। तो अगर हम लोग 45 डिग्री से इंक्लाइन करते हैं लेफ्ट साइड तो, और 45 डिग्री राइट साइड करते हैं तो वो इक्वल इंक्लाइन हो जाता है। तो क्यूब को हम लोग इस प्रकार एच पी पर रख देते हैं तो टॉप व्यू इस प्रकार दिखता है, टॉप में ऐसा पोजीशन में दिखेगा, ऐसा शेप दिखेगा। और जिसको फ्रंट में देखना स्टार्ट करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। तो क्या किए थे हम लोग कि 45 डिग्री अगर लेफ्ट राइट करते हैं तो इक्वल इंक्लाइन पर वो हो जाता है। 45 डिग्री से हम लोग लेफ्ट और 45 डिग्री से लेफ्ट और 45 डिग्री से राइट डिग्री से इंक्लाइन किए हुए हैं तो वो क्या होगा, इक्वल इंक्लाइन पर क्यूब आ जाएगा, उसका वर्टिकल फेस इक्वल इंक्लाइन पर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कहीं पर से 45 डिग्री ले सकते हैं। एक साइड अगर इंक्लाइन करते हैं तो, क्योंकि इक्वल इंक्लाइन, अगर 45 डिग्री इंक्लाइन करेंगे तो 45 डिग्री इधर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो कहीं पर से हम लोग क्या करते हैं, एक 50 mm का लाइन ले लेंगे। यहाँ से 50 mm का लाइन ले लिए और यहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके परपेंडिकुलर में 50 mm का एक और लाइन ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से इसके परपेंडिकुलर में 50 mm का और लाइन ले लेंगे, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब का टॉप व्यू क्या दिखेगा, स्क्वायर ही दिखेगा ना, स्क्वायर शेप का। ठीक है, जब क्यूब को हम लोग एच पी पर रखे थे और इसका वर्टिकल फेस इक्वल इंक्लाइन पर था, 45 डिग्री से इधर से कर दिए और 45 डिग्री इधर से कर दिए तो इक्वल इंक्लाइन हो गया। तब शेप कैसा दिखेगा, ऐसा शेप दिखेगा। और इसके डायगोनल को मिला देते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एम और एन एक्सिस नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, और इसका हम लोग फ्रंट व्यू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो प्रोजेक्शन लाइन लेके जाते हैं ऊपर, ये बी और डी का सपोर्ट, दोनों का प्रोजेक्शन लाइन एक साथ जाएगा तो एक ही ले लेते हैं सिर्फ, और सी ले लेते हैं, सी का प्रोजेक्शन लाइन, इसीलिए इसका नहीं लिए, बी और ए डी का जो दोनों एक साथ जाएगा तो एक ही ले लेते हैं तो काम चल जाता है मेरा। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हैं ना, तो यहाँ दिखा सकते हैं कि दोनों एक साथ जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग एक्सिस लेंगे, एक्सिस का हाइट भी 50 mm होगा, एक्सिस ले लीजिएगा 50 mm क्योंकि क्यूब है तो सब इक्वल होगा। ठीक है, और एक्सिस के इक्वल सभी फेस लाइन होगा। जब क्यूब को हम लोग फ्रंट से देखेंगे तो ऐसा ही शेप का दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बनाइएगा। तो डबल नेमिंग करेंगे, एक ऊपर का नेमिंग, एक नीचे में नेमिंग करेंगे, नीचे में बेस का नेमिंग ए बी सी डी और ई एफ जी एच, तो हो गया। अब ऊपर का जो नेमिंग होता है, बाहर का जो नेमिंग होता है वो ऊपर में नेमिंग करते हैं, ए डैश फिर बी के सीधा में बी डैश और डी के सीधा में डी डैश और सी के सीधा में सी डैश, फिर अंदर का नेमिंग नीचे में करते हैं, यहाँ पे ई डैश हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश और डी डैश। ठीक है, ये सब ब्रैकेट में कर देंगे और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी डैश। हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक 50 mm कहीं पर दिखा देंगे कि 50 mm का एक साइड है यहाँ पे। ठीक है, 50 mm का साइड दिखा देंगे इसको। ओके,
अगर आपको इस सवाल में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले सवाल में, तब तक के लिए बाय।